स्फेयर्स को के क्वेश्चंस करने के लिए पहले थ्योरी नहीं सीखनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे स्फेयर्स के, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और शीट नंबर 98 पुट करो इस पे, शीट नंबर 98 जिसका नाम है शेल थ्योरम। ये फॉर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये एनसीईआरटी स्कूल में पूछा जा सकता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन शेल थ्योरम इन ग्रेविटेशन। तो शेल थ्योरम के अकॉर्डिंगली इट गिव्स, क्या है शेल थ्योरम? इट गिव्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स देगी किसके ऊपर? एक पॉइंट मास के ऊपर, ड्यू टू स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फेयर। मतलब ये थ्योरम कहां लगेगी? जब आपको एक बॉडी क्या गिवन है, या तो शेल, शेल का मतलब हॉलो स्फेयर, या फिर सॉलिड स्फेयर, या तो भरा हुआ स्फेयर है या खाली स्फेयर है। तो इसका मास एम है और इसके सेंटर से दूसरी बॉडी क्या है? पॉइंट मास। तो अगर आप इनके बीच में फोर्स निकालना चाहते हैं स्फेयर और पॉइंट मास के बीच में, तो आप इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाएंगे, मुश्किल है। तो आप शेल थ्योरम लगा के फोर्स निकाल देंगे। क्या है शेल थ्योरम देखें? क्या बताती है शेल थ्योरम? क्लियर है? फोर्स बताती है किसके किसके बीच में बताती है? शेल और पॉइंट मास, या फिर स्फेयर और पॉइंट मास। ये भी क्लियर है? क्या है शेल थ्योरम? इसके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इट स्टेट्स दैट इफ अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल या स्फेयर, इफ अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड अ शेल या स्फेयर, या आउटसाइड दिख रहा है मुझे, आउटसाइड अ शेल और स्फेयर अट्रैक्ट्स द पॉइंट मास, तो ये शेल या स्फेयर पॉइंट मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ठीक, वो तो पता ही है, अट्रैक्ट करेगा। एज इफ, तो कैसे ट्रीट करना है? द एंटायर मास ऑफ शेल या स्फेयर वर कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो आपने ये मान लेना है कि टोटल मास कहां पर पड़ा हुआ है? शेल या स्फेयर के सेंटर ऑफ मास पे। मतलब शेल या स्फेयर में आप इंटीग्रेशन यूज ना करें, आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, शेल थ्योरम ये कहती है। तो फिर अगर ठीक है, फिर तो और आसान हो गया कि अगर ये शेल या स्फेयर है, जो भी है, सॉलिड भी है, उसका मास सेंटर पे एम है, तो ये मास और ये मास के बीच में फोर्स बोलो क्या होगी? जी, बड़ा मास छोटा मास बाय आर का स्क्वायर। डन, आंसर। मतलब इतनी सी बात कह रहा है कि आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट स्फेयर में यूज कर सकते हैं, पर रॉड में यूज नहीं कर सकते, किसी और फिगर में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ शेल या स्फेयर में यूज कर सकते हैं। ठीक, कैसे कैसे? कोई कहेगा इंटीग्रेशन से करके दिखाओ, तब मानेंगे कि ये आंसर आएगा। मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे अभी, क्योंकि इसके लिए आपको प्लस टू के कुछ टॉपिक्स को वेट करना पड़ेगा। हम इसको ग्रेविटेशनल की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे और देखेंगे फॉर्मूलास कैसे आते हैं। बहुत लंबी कहानी है, तो अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, बुक्स भी छोड़ देती हैं और सीधा थ्योरम बना के इसको अप्लाई करना सिखाती हैं। तो ये रिजल्ट नंबर वन क्लियर है यहां तक? अभी हमने पॉइंट कहां पर लिया? शेल या स्फेयर के आउटसाइड लिया, आधी थ्योरम हुई है। अब आधी थ्योरम, तो इसमें मैंने बनाया भी है, ये शेल है, मास सिर्फ सरफेस के ऊपर है, और ये सॉलिड स्फेयर है, मास इसके अंदर भी है। पर क्या फर्क पड़ता है चाहे शेल है चाहे सॉलिड स्फेयर है? मास आप इसके सेंटर पे ही लेंगे और फोर्स दोनों में एग्जैक्टली सेम रहेगी, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, कोई फर्क नहीं। थ्योरम शेल पे भी काम कर रही है और सॉलिड स्फेयर पे भी काम कर रही है, और पॉइंट लेकिन कहां पे होना चाहिए? ग्रेटर देन कैपिटल आर, कैपिटल आर से बाहर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां तक याद हो गया पॉइंट। दूसरा प्रूफ 2 मिनट बाद में डिस्कस करते हैं, एक लाइन में जस्ट एक्सप्लेन किया गया है, पहले सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि अब अगर स्मॉल एम, सेकेंड अभी आधी थ्योरम है, आधी थ्योरम अब है कि मान लो आपका जो ये शेल है, पहले शेल है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, एक हॉलो है जिसका मास क्या है?
एम, वो कह रहा है कि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और आपका जो पॉइंट है, पॉइंट मास है, वो कहां पर पड़ा हुआ है, लेस देन कैपिटल आर। लेस देन कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, किसी भी शेल के पॉइंट के इनसाइड कोई पॉइंट है, तो यहां पर पड़ा हुआ है। अब कहते हैं फोर्स बताओ क्या होगी। तो शेल थ्योरम ये कहती है कि अगर एक शेल के इनसाइड कोई पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट पर फोर्स शेल क्या लगाएगा, जीरो, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। शेल के अंदर, शेल के इनसाइड ना तो ई एग्जिस्ट करता है, याद रखना, ना फोर्स एग्जिस्ट करती है। आप बोलोगे वो कैसे, इसका प्रूफ भी हम नहीं कर रहे अभी, सिर्फ रिजल्ट कर रहे हैं, पर वेक्टर से मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं एक लाइन की, अगर कुछ समझ में आती है तो। जहां मुझे फोर्स निकालनी है, ये मास है, इसके ऊपर फोर्स निकाल, कौन लगाएगा फोर्स, पूरे शेल के डिफरेंट डिफरेंट मान लो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं, फोर्स लगाएंगे, ये वाला एलिमेंट इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये एलिमेंट अपनी तरफ खींचेगा, ये एलिमेंट अपनी तरफ, हर तरफ इसको फोर्स ही फोर्स एक्सपीरियंस होती जाएगी, सच दैट हर तरफ अगर फोर्स है तो नेट फोर्स इसके ऊपर अल्टीमेटली वेक्टर सम आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स क्या आएगी, जीरो। उसी तरीके से अगर कोई पॉइंट यहां पे है, तो एलिमेंट इसे अपनी तरफ खींचेंगे हर तरफ, सच दैट नेट फोर्स क्या आएगी यहां पर, जीरो। आप कहोगे ये तो थ्योरी में बताया, मैथमेटिकली कैसे, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होते जा रहे हैं तो वेक्टर की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है, तो कैसे प्रूव करोगे इसे, नहीं कर पाऊंगा अभी, इसके लिए हम गॉस थ्योरम करेंगे प्लस टू में, वो बहुत आसान प्रूफ है, उससे प्रूव हो जाएगा, अभी नहीं करेंगे। अभी याद रखेंगे शेल के अंदर ई की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू हमेशा जीरो, तो शेल कितना भी बड़ा हो, अगर मास, पॉइंट मास उसके इनसाइड लाई करता है, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो मास, नेट फोर्स जीरो, नेट ई की वैल्यू भी जीरो। रादर प्लस टू के अंदर एक और एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसी में प्लस टू में सेम टॉपिक है कि अगर ये एक शेल है, शेल के ऊपर चार्ज ही चार्ज है, सरफेस के ऊपर, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का असर क्या होगा, ई क्या होगा उसका, जीरो, जैसे, और फोर्स क्या होगा, जीरो। कोई भी अगर शेल है, शेल के इनसाइड ना तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और ना ही शेल के इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। कहा जाता है अगर बिजली गिरे, बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रही है, आपको बचना चाह अगर बचना चाहते हैं तो आप अब एक शेल के अंदर जाके बंद हो जाए, तो बिजली गिरेगी, बिजली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेसिकली, लाइटनिंग, 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 चार्ज चार्ज है, मतलब मान लो मैं बिजली चार्जेस गिरता हूँ और मेरे हाथों से चार्ज निकलते हैं, या मशीन है जो आपके ऊपर चार्ज गिरेगी, आपकी बॉडी पे ला सकता हूँ, तो आपको शॉक लग सकता है, आप बचना चाहते हैं उस चार्ज से, तो आप एक बंद शेल के अंदर चले जाएं, क्योंकि शेल के अंदर ई जीरो हो जाएगा, आपके ऊपर कुछ कुछ एक्ट नहीं होगा, आप एकदम सेफ हैं। तो ऐसी चीजें सिखाई जाती है। लिफ्ट के अंदर देखो, फोन के सिग्नल बंद हो जाते हैं, लिफ्ट मेटल की बनी हुई है, मेटल के अंदर, और जो फोन के सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो जब आप लिफ्ट के अंदर बंद हो जाते हैं, अगर बिल्कुल ओपनिंग, तो हल्की सी ओपनिंग होती है थोड़ी बहुत, अगर बिल्कुल ओपनिंग ना हो, कई बार तो लिफ्ट बिल्कुल टाइट होती है, तो देखो सिग्नल कटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो मेटल की बनी हुई है अगर, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, उसमें सिग्नल्स जो है वो नहीं आ पाएंगे, तो इस तरीके से फील्ड्स के असर उसमें कम हो जाते हैं, और ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। शेल मास सरफेस एरिया पे नहीं है वो लगाएगा, मास ही मास है सरफेस एरिया पे। क्या ये शेल थ्योरम का अगला पॉइंट क्लियर है? फिलहाल आपको याद करना है, आप अगर इसकी इसके प्रूफ देखने की कोशिश करोगे ना, आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आप अननेसेसरी टाइम खराब करोगे, अभी मत करो, आप स्टेटमेंट याद करो इसकी।
टॉपिक्स हैं आज के ना वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, अगर आप बातें करेंगे या डिस्कशन करेंगे बीच में तो आपका लिंक पक्का ब्रेक होगा, आप गुम सकते हैं इस चैप्टर में। तो प्लीज़ ध्यान से सुनते जाएं और रिजल्ट्स को बनाते जाएं। 12 रिजल्ट्स हैं जो आज हमने करने हैं, अभी दूसरा रिजल्ट है ये, ठीक। तो इसके ऊपर फिर एग्जाम्पल चलेंगे और सारे क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज के ऊपर ही चलेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन का प्रूफ नहीं है तो इसलिए फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। हालांकि मैं ट्राई करूंगा जिन जिन का प्रूफ है मैं एक्सप्लेनेशन साथ देता जाऊंगा, जिसका मैं दे सकता हूं अभी, इसका नहीं दे सकता वो तो प्लस टू में अपने समझ में आएगा फिर। तो शेल थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक शेल है और एक पॉइंट अगर बाहर है शेल के तो फोर्स का फॉर्मूला gmm बाय r स्क्वायर, लेकिन अगर पॉइंट शेल के इनसाइड है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज जीरो। ये शेल की बात हो रही, लेकिन अगर ये शेल नहीं है, अगर ये एक सॉलिड स्फेयर है, मास ही मास है, इसके अंदर मास ही मास है, सॉलिड स्फेयर का मास m है और कोई भी पॉइंट मास कहां पर पड़ा हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। तो अब आपको बताना है कि ये पूरा स्फेयर इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा। आंसर जीरो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मास ही मास है। तो प्रॉब्लम क्या है, समझ में आ रही है क्या निकालने जा रहे हैं? तो इसके लिए ये एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, मास कितना है, एम है। लेट अस सपोज आपने स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक मास लिया, पॉइंट मास, जहां पर आप फोर्स निकालना चाहते हो, ठीक। स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है, तो कहीं मर्जी ले लो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये ये ये। तो डेप्थ वाली सेम केस है, डेप्थ में नहीं करते थे कि जहां से मर्जी एंटर कर जाओ। तो इस शेडेड स्फेयर देख रहे हो, तो इस पॉइंट मास को पूरी अर्थ अट्रैक्ट नहीं करेगी, इस पॉइंट मास को सिर्फ अंदर का शेडेड पोर्शन ही अट्रैक्ट करेगा। हमने फर्स्ट लेक्चर में जब डेप्थ का रिजल्ट किया था तो सेम चीज की थी कि अगर हम नीचे आ जाते हैं अर्थ के, पूरी अर्थ खींचना हमें बंद कर देती है, सिर्फ ये वाला पोर्शन खींचेगा। तो क्या फोर्स लगाएगा, जी पॉइंट मास इनटू ये शेडेड पोर्शन का मास इज एम के पैर में आर, सबस्क्रिप्ट है स्मॉल आर, एम आर का मतलब है मास ऑफ रेड ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो फोर्स इज जी एम आर इनटू पॉइंट मास डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है फोर्स क्या लगेगी, बस एक ही लॉजिक है कि आपको जो फोर्स लेनी है वो पॉइंट इस शेडेड स्फीयर और पॉइंट मास के बीच में लेनी है, टोटल मास नहीं लेना बस। आंसर याद रहेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था डेप्थ वाली प्रॉब्लम में कि जब भी डेप्थ में जाएंगे तो डेंसिटी तो पक्का यूज करेंगे करेंगे। टोटल मास अर्थ का एम इज टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हम मानते हैं कि डेंसिटी अर्थ की कॉन्स्टेंट है, जबकि कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि डेंसिटी तो लेयर्स की फॉर्म में चेंज होती जाएगी, हम एवरेज लेते हैं, एक ही लेते हैं। तो टोटल मास इज टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये जो शेडेड मास है एम आर इज शेडेड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चेंज हो गया तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर लिया, मास आ गया। अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें एम आर डिवाइडेड बाई एम, तो ये टर्म आ गई, एम राइट साइड पे चला गया तो एम आर की वैल्यू आ गई। इस एम आर को उठा के यहां पुट कर देते हैं, ये पुट किया तो यहां से स्मॉल आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसल, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया जी अर्थ का मास पॉइंट मास डिवाइडेड बाय अर्थ का रेडियस का क्यूब इनटू स्मॉल आर। ये आपने याद करना है फॉर्मूला, हर बार तो नहीं बनाएंगे तो फॉर्मूला याद किया जा सकता है, दिस इज दी फॉर्मूला, क्लियर है। तो अब शेल थ्योरम हमें कुल मिला के चार रिजल्ट देती है। क्या रिजल्ट, कि अगर सपोज करो आपके पास ये एक शेल है, शेल शेल का मास है m, रेडियस r, तो अगर आप फोर्स शेल के बाहर निकालना चाहते हो तो मेरे ख्याल से पहला रिजल्ट क्लियर है, राइट। और यही अगर सॉलिड स्फेयर है तो भी रिजल्ट विल रिमेन सेम, दो रिजल्ट ये हो गए। तीसरा, अगर ये शेल है
अगर आप शेल के इनसाइड फोर्स निकालना चाहते हो तो बोलो फोर्स की वैल्यू क्या होगी यहां पर, जीरो। और उसी तरीके से अगर ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है, मास एम है, और आप पॉइंट मास पे फोर्स निकालना चाहते हो तो फोर्स क्या होगा, जी एम एम बाय आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर। चार फॉर्मूलाज याद हो गए, चार केसेस ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें? मैं अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा पूछ लूं, मुझे यहां पर एफ नहीं निकालना, मुझे यहां पर ई निकालना है। देखो ई क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय पॉइंट मास, तो डिवाइड करेंगे तो ई क्या आएगा बोलो, जी कैपिटल एम बाय, तो शेल और सॉलिड स्फेयर का ई भी आ गया हमारे पास। उसी तरीके से यहां पर अगर फोर्स जीरो है इनसाइड तो ई भी क्या होगा, ई भी जीरो आ गया। उसी तरीके से यहां पर अगर ई निकालना है तो जी एम बाय, बस एम उड़ जाएगा तो आंसर, तो ई के फॉर्मूलाज भी आ गए, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये सारे रिजल्ट्स क्लियर है? ठीक, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि सरफेस के ऊपर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अंदर का पॉइंट ले या इसको बाहर का पॉइंट ले। तो सरफेस के ऊपर, शेल के सरफेस के ऊपर फोर्स अगर निकालनी है तो जी एम एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जीरो नहीं बोलना, इनसाइड अलग है, सरफेस और आउटसाइड एक ही रिजल्ट है। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये चारों रिजल्ट याद रहेंगे। ओके नेक्स्ट है, ये नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये मैं कुछ अपना रफ बना रहा था, मैं मिटाना भूल गया, तो नेक्स्ट टॉपिक्स बना रहा था कि क्या क्या होने चाहिए, तो ये आपके मतलब के नहीं है, तो इसको प्लीज क्रॉस कर दो, ये आप अपने रफ नोट्स मैंने बनाए थे, मैं इसको डिलीट करना भूल गया यहां से। नेक्स्ट शीट नंबर 99, शीट नंबर 99